खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। चंडी महायज्ञ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दिनेश शर्मा पूर्व मंत्री पहुंच चुके हैं। उसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके का जो यहाँ आयोजन हुआ है और उनका क्या कहना है। तो सर क्या कहेंगे, जिस तरह से आपके आने के बाद भक्तों में जोश की लहर है, और क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम? देखिए, ये हमारे पार्षद रंजीत जी यहाँ के जूनागढ़ अखाड़ा के संत महंतों के साथ में मिलकर ये बड़ा आयोजन करते हैं। संतों का प्रवचन होता है यहाँ पर, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लोगों का सम्मान होता है और देवी माँ की आराधना होता है। ये श्रावण माह चल रहा है, बगल में भगवान मन कामेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर है और बाईं तरफ अगर देखो तो माता बंदी माता का मंदिर है। ये एक तीर्थ स्थल की तरह से है, ये तीर्थ स्थल है और सुदूर क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पूजा अर्चन के लिए आते हैं। मैंने तो अभी पार्षद जी से कहा है कि पर्यटन विभाग को, उत्तर प्रदेश सरकार को, वो एप्लीकेशन मुझे दें, यहाँ का एक पर्यटन का के क्षेत्र से इसका विकास संभव हो सके, इसकी पूरी मेरी कोशिश होगी। और मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर जो ये कार्यक्रम है वो क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं को और अधिक बलिष्ठ और मजबूत करते हैं, जिससे जो सदाचार है वो बढ़ता है और अनाचार रुकता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, जिन्होंने श्री बंदी माता मंदिर कार्यक्रम में शिरकत की और मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे, जहां हमने बात करेंगे अभी महंत जो कार्यक्रम के आयोजक है उनका क्या कहना है, आइए चलते हैं। हमारे साथ में महंत मनोहर जी, जानेंगे सर क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, क्या मुख्य उद्देश्य? सप्त दिवसीय कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष बहुत ही भव्यता एवं विविधता के साथ बंदी माता मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा रासलीला एवं सप्त चंडी महायज्ञ के रूप में मनाया जाता है, जिससे जनमानस का, पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे जगत का कल्याण हो, इन्हीं भावना के साथ हर वर्ष 7 दिन का आयोजन यहाँ पर रखा जाता है। बहुत दूर दूर से संत महात्मा, अनेकों भक्त, अनेकों राजनैतिक गण, सामाजिक व्यक्ति भी यहाँ पहुँचते हैं। भारतीय संस्कृति को लेकर के जो कार्यक्रम किया गया है, आपके मुख्य अतिथि जो उप मुख्यमंत्री पूर्व थे डॉक्टर दिनेश शर्मा, उन्होंने सराहना भी की, क्या कहें? आज उन्होंने जिस मंदिर की रूपरेखा, यहाँ की भव्यता, यहाँ के दिव्यता के लिए, यहाँ पुनर्निर्माण के लिए जो उन्होंने बताया, आगे उन्होंने इसके पुनर्निर्माण के लिए माननीय धार्मिक मंत्री जी से, माननीय संस्कृति मंत्री जी से उन्होंने अपने लेटर पर इस मंदिर के विकास के लिए उन्होंने जो बात कही, हमें पूर्ण विश्वास है डॉक्टर साहब इसका विकास कराएंगे। आपका बंदी माता मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है, हम इनके जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष यहाँ कार्यक्रम के उसे जाने दिया कि क्या उनका उद्देश्य था ये कार्यक्रम करने का, जैसे हर वर्ष ये कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से किया जाता है उत्तर प्रदेश।
प्रदेश की राजधानी में श्री सप्त चंडी एवं श्रीमद् भगवत कथा रासलीला एवं संत महासमागम एवं मानस को लेकर के कार्यक्रम किया जा रहा। हमारे साथ देवेंद्र पुरी जी हैं, श्री महंत, उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो कार्यक्रम का उद्देश्य है किस तरीके का लगातार से आप कर रहे हैं। सर बताएं, ये 41वां कार्यक्रम है जी। ये सप्तचंडी महायज्ञ भागवत कथा और रासलीला संत सम्मेलन मानस समारोह जन कल्याण के लिए धर्म धारियत पालियत रक्षित धर्मा, धर्म को धारण करना, पालन करना, रक्षा करना, हिंदू संस्कृति को बचाना और हिंदू जागरफी को बढ़ाना, हिंदू फिलोसफी को बढ़ाना, जन जागरण करना, ये ही काम ये कार्यक्रम है। यहाँ पर जो है अच्छे रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई, यहाँ का जो यज्ञ होता है वो अरण मंथन के द्वारा अग्नि प्रकट की जाती है जिससे यज्ञ होता है। 7 ब्राह्मण 7 दिन सप्तचंडी का पाठ करेंगे, हवन करेंगे और सारे पूजा पाठ का काम करेंगे और रोज भागवत कथा 3 बजे से 6 बजे तक चलती है, 7 बजे से रासलीला चलती है। इस यज्ञ का प्रारंभ हमारे क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र के विधायक नीरज बोरा जी दीप प्रज्वलित करके प्रारंभ हुआ था। और जी ये बताइए कि किस तरह से जो है मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन लोग आए हैं और महापौर जो हैं इसमें खरकवाल जी, सुषमा खरकवाल और नीरज बोरा, आज दिनेश शर्मा जी जो उप मंत्री थे आ रहे हैं। इसके पहले भी 2018 में योगी जी आए थे और 2019 में भी डिप्टी सीएम आए थे दिनेश शर्मा जी और आज भी 3 बार आ चुके हैं डिप्टी सीएम। यहाँ पहले ब्रजेश पाठक भी आ चुके हैं और कई सांसद और कई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्षेत्रीय और प्रांतीय घनश्याम अग्रवाल हैं, बहुत नेता नगरी आती है, रोज आती है। कल भी राजवीर सिंह जो सांस्कृतिक मंत्री हैं वो आएंगे और मंडलेश्वर आ रहे हैं, जूना अखाड़े के मंडलेश्वर विनोदानंदपुरी चूरू से राजस्थान के, और यहाँ के सोमवार गिरी नटखेड़ा में आलमबाग में रहते हैं वो भी आ रहे हैं। तो बहुत से अतिथि लोग आ रहे हैं, बहुत मंत्री संतरी सब आ रहे हैं, यहाँ रोज ही आते हैं और रोज़ उनका स्वागत किया जाता है और सत्कार किया जाता है, सब अपनी स्पीच देते हैं और ये कार्यक्रम 7 दिन चलता रहेगा। तो भारतीय संस्कृति के तहत आपके इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जहां पर देश के सभी लोगों को धर्म से जोड़ने का एक अनोखा कार्य यहाँ पर जन कल्याण मानव एकता संत सम्मेलन मानस समारोह, संत का सम्मेलन भी है, मानस मतलब पब्लिक का भी समन्वय है, हिंदू संस्कृति को एक करना, सनातन धर्म की रक्षा करना, धर्म धारित पालित रक्षित धर्मा, ये है हमारा उद्देश्य। बंदी माता आदि भवानी सुर कल्याणी असुर सिंहारण जगदम्बा जी 3 लोक जय मस्तक नावे ताहि भजे श्री रामा, ये बंदी माता मंदिर है। ततो आश्रमपागम गौतमी तटे आश्रमे पुनर्थाय गमनस्य वाल्मीकि आश्रमे, जब लोकापवाद हुआ रामचंद्र पे कि तुम्हारी सीता को 6 महीने रावण रखे रहा तो क्या छुआ नहीं होगा, उस अपवाद में सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में वन देवी बना करके भेजना पड़ा साधु के रूप में, तो यहाँ प्रथम निवास किया। उस समय भी यहाँ ऋषियों का आश्रम था। ततो आश्रमपागम गौतमी तटे आश्रमे, उस टाइम भी सतयुग में भी यहाँ आश्रम था। पुनर्थाय गमनस्य, हनुमान जी तभी से अलीगंज में रह गए, यहाँ हनुमान जी आए यहाँ तक अलीगंज में रह गए और फिर लक्ष्मण सुमंत ले जाके परिहर छोड़ के ऊपर वाल्मीकि आश्रम मिठूर
में छोड़ दिया। तो ये थे हमारे साथ में श्री महन देवेंद्र पुरी महाराज अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जूना अखाड़ा के, जिन्होंने बताया किस तरह से बंदी माता मंदिर में इस कार्यक्रम का आयोजन लगातार होता आ रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में आज उप मुख्यमंत्री पूर्व डॉक्टर दिनेश शर्मा यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और जिस तरह से पूरे देश को एक धर्म से जोड़ने का अनोखा कार्य बंदी माता मंदिर के आश्रम के द्वारा किया जा रहा है, देखने वाली बात यह है कि किस तरह से भारतीय संस्कृति के तहत जो कार्यक्रम हुआ है और यहाँ पर जो रासलीला हो रही है कृष्ण भगवान के, श्री भगवद गीता और अन्य कार्यक्रम मुख्य रूप से आम जनता के लिए लगाए गए हैं। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़, सहयोगी प्रदीप के साथ मैं लखनऊ से अमित कश्यप इजाजत चाहता हूँ, नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।